स्टोरी सुनोगे तो उतर जाएगी चट्टी। दोस्तों अगर कोई बोलता है कि बचपन में उसका फेवरेट कार्टून चैनल कार्टून नेटवर्क नहीं था तो मेरी तरफ से उसे जोर से दो चांटे मारना। अब बड़े हो जाने के बाद हमें बचपन की केवल अच्छी चीजें ही ज्यादा याद रहती है और इन अच्छी चीजों में कार्टून नेटवर्क चैनल सबसे टॉप पे आता है। अब अगर आप 2000 से लेकर 2005 के बीच में पैदा हुए हैं तो आपने कार्टून नेटवर्क चैनल का सबसे बेस्ट रूप देख कर एंजॉय किया है, क्यों नहीं। अब उस वक्त जो कार्टून्स दिखाए जाते थे उसका कोई भी कंपैरिजन ही नहीं था। इन्हीं में से एक था हड्डी मेरा बड्डी। उस बेवकूफ लड़के, गुस्से लड़की और हड्डी जैसे दिखने वाले शैतान को आखिर कौन भूल सकता है, स्पेशली जब हड्डी को अमिताभ बच्चन के स्टाइल में वॉइस किया गया था। स्कूल पढ़ने की जगह है, यहाँ मत करो टाइम पास, लेक्चर में ध्यान दे बिल्लू, हो जाएगा तू पास। तो मैं तो यार बस वही इसका फैन हो गया था। आज हम इसी कार्टून के बारे में जानेंगे कि आखिर कार्टून नेटवर्क वालों ने इसे दिखाना बंद क्यों कर दिया। कह दो कि ये झूठ है। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों अगर आपने हड्डी मेरा बड्डी कार्टून देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसकी कहानी तीन मेन कैरेक्टर्स के ऊपर केंद्रित होती है, बिल्लू, प्रीति और हड्डी। लेकिन अगर आप इस शो के फैन 2014 से पहले के हैं तो आपको इसका एक अलग नाम भी याद होगा। अब इस कार्टून की ऑफिशियली शुरुआत 1995 में अमेरिका में हुई थी। मैक्सवेल एटम्स नाम का एक आदमी अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में काम किया करता था और उन्होंने प्रोजेक्ट के तौर पर 2 मिनट का एक कार्टून तैयार किया। इस कार्टून का नाम था बिली एंड मैंडी इन ट्रेपनेशन ऑफ द स्कल एंड यू। मैक्सवेल एटम्स को ड्राइंग बनाने के बहुत ज्यादा शौक था। वो बचपन से ही हमारी तरह कार्टून्स देखकर बड़े हुए थे। उन्हें ड्राइंग और एनिमेशन का भी बहुत शौक था। अब 1995 में उन्होंने बिली और मैंडी को अपने हाथों से बनाकर उसे एनिमेट किया था। अब उनके द्वारा बनाया गया 2 मिनट का एनिमेशन किसी भी टीवी पर रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अपना ये आइडिया इतना पसंद आया था कि उन्होंने एक नए कार्टून को बनाने का प्लान किया और इस तरह से जन्म हुआ था ग्रिम और इविल का। अब देखो हड्डी मेरा बड्डी तो बस हिंदी में देखने वाले ऑडियंस के लिए ही ये टाइटल चुना गया था, रियल में तो सबसे पहले इस शो का नाम ग्रिम और इविल ही था। अब मैक्सवेल एटम्स ने इस कार्टून के कुछ एपिसोड्स को एनिमेट किया और चल पड़े चैनल्स के पास अपने आइडिया को लेकर, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह ग्रिम और इविल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब वो निकोलोडियन के पास गए तो उन्होंने मैक्सवेल से पूछा कि आखिर बच्चों के शो में एक हड्डी वाले शैतान के पास घास काटने वाला आला क्यों है भाई। अब देखो एक बार ये जानना जरूरी है कि मैक्सवेल ने एग्जैक्टली कौन सी चीज से इंस्पायर होकर हड्डी के कैरेक्टर को बनाया था। अब इंग्लिश में इसे द ग्रिम रीपर्स या मौत का देवता कहा जाता है। पुराने जमाने में मौत से डरने के लिए लोगों ने उसे एक आदमी का रूप दे दिया था। अब माना जाता था कि आपके मरने के बाद यह हड्डी जैसा आदमी ही आपकी आत्मा को लेकर जाना चाहता है। अब निकोलोडियन ने सोचा कि बच्चों को इतना वायलेंट कैरेक्टर दिखाना ही सही नहीं होगा। अब मैक्सवेल ने तो क्लियरली कहा था कि ये मौत का देवता बेहद ही फ्रेंडली है और किसी भी बच्चों को नहीं मारता है, लेकिन तब भी वो नहीं माने। अब अंत में मैक्सवेल गए कार्टून नेटवर्क के पास, वहाँ उनका ये यूनिक शो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया गया। बस फर्क इतना था कि इसका नाम बदल कर द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली मैंडी कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, बिली यानी हमारा बिल्लू और मैंडी यानी की प्रीति। अब हड्डी मेरा बड्डी अगर किसी चीज की वजह से फेमस हुआ था तो वो थे इसके अजीबोगरीब कैरेक्टर्स। बिल्लू इस शो की जान था, वो बेहद ही बेवकूफ और फनी था। उसकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही अच्छे से की गई थी। बोलता रहूंगा, तुम सुनती रहना, गेम्स खेलेंगे, खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे, साथ में होमवर्क करेंगे, साथ में जू जाएंगे और पिक्चर भी देखेंगे। वहीं प्रीति बिल्लू से बिल्कुल उलट थी। मुझे लगता था कि हमने पूरे शो में बस एक ही बार प्रीति को हंसते हुए देखा था। वो बेहद ही गुस्सैल लड़की थी जिसका मूड हर चीज से खराब ही रहता था। और इसके बाद आता है अपना हड्डी। अब वैसे तो हड्डी को बेहद ही डरावना दिखाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्लू और प्रीति का गुलाम बनकर रह गया था। कल मुझे सारे सब्जेक्ट्स का 200 पेजेस का होमवर्क स्कूल में दिखाना है। बुक्स और पेंस अंदर रखे हैं, जाओ काम पर लग जाओ। अच्छा है, करता हूँ। अब ये देखने में बहुत ही मजा आता है कि इतना पावरफुल कैरेक्टर 2 बच्चों की कही हुई बातें मानता है, लेकिन यार हड्डी उनका गुलाम बना कैसे। वेल, असल में पहले ही एपिसोड में हड्डी बिल्लू और प्रीति से एक शर्त पर हार जाता है, जिस वजह से जो भी वो बोलेंगे हड्डी को वो करना ही पड़ेगा। अब भले ही शुरुआत में हड्डी बिल्लू और प्रीति की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और उनकी रखवाली करने लगता है। इसके अलावा बहुत से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी है जो शो को और ज्यादा फनी बना रहे थे, जैसे बिल्लू और प्रीति के मम्मी पापा। आज वैलेंटाइन डे है तो हम लोग तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं।
चलो सब सर्कस देखने चलते हैं। गोलू और हड्डी के दोस्त। अभी शो को सबसे पहली बार कार्टून नेटवर्क पर 2001 से 2002 के बीच रिलीज किया गया था। उस वक्त इसका नाम ग्रिम एंड द इविल था। फिर 2003 में इसका नाम बदलकर द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी रख दिया गया और इसे 2008 तक चलाया गया। अब इसकी पॉपुलैरिटी देखकर कार्टून नेटवर्क वालों ने सोचा कि इंडिया में भी ये चल सकता है, इसीलिए साल 2009 में इसकी हिंदी डबिंग की गई और कार्टून नेटवर्क इंडिया पर रिलीज किया गया। अब इसका टाइटल भी बदलकर बिली मैंडी और लाइफ में हड्डी रख दिया गया था। लेकिन देखो, उस वक्त इंडिया में केवल इसके दो ही सीजन रिलीज किए गए थे। ज्यादातर लोग इस नए शो को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर नवंबर 2014 में इस शो को दोबारा से रिलीज करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही शो में बहुत से चेंजेस भी किए गए। हिंदी डबिंग टेस्ट को चेंज किया गया और टाइटल को भी बदलकर हड्डी मेरा बड्डी रख दिया गया। अब देखो, मैं बता नहीं सकता कि इंडिया के लोगों को उस वक्त ये कार्टून कितना पसंद आया था। अब जैसा कि मैंने बताया, हड्डी की अमिताभ बच्चन वाली वॉइस सबको पसंद आ रही थी। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ वरना मैं तुमको भी ले जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आया था जब हड्डी मेरा बड्डी कार्टून नेटवर्क पर दूसरा सबसे ज्यादा देखने वाला कार्टून बन गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही कार्टून नेटवर्क इंडिया ने इसे एयर करना बंद कर दिया। और इसका रीजन था कार्टून नेटवर्क पर लोकल कार्टून्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। अब वैसे तो हड्डी मेरा बड्डी के नए एपिसोड्स 2008 से ही आना बंद हो गए थे, लेकिन इसका ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन 6 सीजन्स तक चला था, जिसके बाद इसके क्रिएटर्स ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। 2008 में मैक्सवेल एटम्स का कॉन्ट्रैक्ट कार्टून नेटवर्क के साथ एक्सपायर हो गया था और वो डिज्नी चैनल के पास नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने चले गए थे। अमेरिका में आज भी इसके पुराने एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में इसे कब का बंद कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि लोकल कार्टून्स को दिखाने का कार्टून नेटवर्क का प्लान कितना सफल होने वाला है, लेकिन उस वक्त जब हमारा ये फेवरेट शोज बंद हुए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अब आपको क्या लगता है, हड्डी मेरा बड्डी जैसे कार्टून्स क्या कार्टून नेटवर्क पर कमबैक कर सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपने इस कार्टून को देखा है, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।